Hello everyone, welcome to our channel and today we are going to discuss the topic monotonic sequence. तो आज हम पढ़ेंगे monotonic sequence के बारे में. अब देखो sequence, you know, अब monotonic sequence में भी क्या क्या sequence होती है. देखिए एक होती है monotonically increasing, one is strictly monotonically increasing, then third is monotonically decreasing sequence. And fourth one is strictly monotonically decreasing sequence. Now see, अब हम एक sequence को monotonically increasing कब कहते हैं. अगर देखो sequence जैसे ए एन है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड अप टू सो ऑन. अब अगर कोई ए एन प्लस वन ए एन से बड़ा है तो वो monotonically increasing है. ठीक है, greater than equal to है. मतलब ये कि ए एन सीक्वेंस है वन लाइक दिस. सी ये वन वन टू टू एंड ए थ्री थ्री फोर फोर इस टाइप से एग्जांपल के लिए. तो आपका जो एन प्लस वन है, ए एन प्लस वन टर्म जो है, जैसे कि देखो ए टू, देखो जो ये सेकंड टर्म है ए टू का है ना वन, ये जो है इसकी फर्स्ट टर्म दिस वन से ये या तो इसके बराबर है या फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए. तो ग्रेटर की अब बात करें, जैसे ए टू से ए थ्री बड़ा है टू, दिस इज़ फॉर एन योर एग्जाम्पल. तो अब इस सीक्वेंस में हम कहेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ देखो इससे नेक्स्ट वाला टर्म इसके बराबर है, इसके नेक्स्ट वाला टर्म इससे बड़ा है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ. इफ़ वी टॉक अबाउट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब सिर्फ ग्रेटर होना चाहिए नेक्स्ट टर्म. तो जैसे देखो वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री एंड ये थ्री से बड़ा फोर, जैसे एन स्क्वायर सीक्वेंस ले लो. सो वन फोर नाइन सिक्सटीन लाइक दिस. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए. जैसे ये तो बराबर हो गया, अब नेक्स्ट टर्म इससे लेस है, ये बराबर है नेक्स्ट टर्म बट इससे लेस है. एंड स्ट्रिक्टली की हम बात करें तो स्ट्रिक्टली में जो नेक्स्ट टर्म है वो छोटा होना चाहिए. आई होप इट्स क्लियर. अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे, या मोनोटोनिक सीक्वेंस कब होती है, जब या तो मोनोटोनिकली सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या इधर डिक्रीजिंग हो, तब उसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं. नाउ अब हम कुछ थ्योरम्स करेंगे जो मोनोटोनिकली सीक्वेंस पे बेस्ड है. अब इसमें पहले बात तो ये कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस तभी होगी जब वो क्या होगी, मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है क्या होगी, बाउंडेड, बाउंडेड होगी राइट. सो मोनोटोनिक सीक्वेंस का बाउंडेड होना ज़रूरी है ना. वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव होनी चाहिए एंड कन्वर्ज करेगी लीस्ट अपर बाउंड पे, यानी कि सुप्रीमम पे. ठीक है, तो अब हमें शो करना है. देखो जैसे हमने एक सीक्वेंस मान लिया, एक सेट एस मान लिया, ए वन ए टू ए थ्री ए एन. नाउ सिंस दिस ए एन इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव है तो कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स से इसका लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए. कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर भी नो, तो उस अकॉर्डिंग उसका लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए राइट. तब इसका अगर लीस्ट अपर बाउंड है सो अब उस लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं. लेट कर लिया हमने यू. नाउ वी हैव टू शो दैट कि ये जो सीक्वेंस है ए एन ये कन्वर्ज करेगी, ये बाउंडेड अबव है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, सो ये कन्वर्ज करेगी अपने लीस्ट अपर बाउंड पे. और लीस्ट अपर बाउंड को हमने यू सिंबल से डिनोट कर दिया. तब हमें क्या करना है, लेट करना है कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो. अब एज यू इज़ अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस एस, सो अब यू जो है वो सुप्रीमम है यानी लीस्ट अपर बाउंड है. अब इससे ज़रा सा भी छोटा अगर कोई एप्सिलॉन हम लेंगे तो वो अपर बाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा. सो वी टेक यू माइनस एप्सिलॉन विच इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस. नाउ देयरफॉर यू माइनस एप्सिलॉन दिस इज लेस देन द सीक्वेंस ए एन, ए एन सीक्वेंस से छोटा है.
अब हमें तो पता है कि एन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब ये कि जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे ए बी सी डी में, मतलब नेक्स्ट जो जस्ट नेक्स्ट टर्म है वो उससे बड़ा होना चाहिए सीक्वेंस में, या फिर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह लो आप, या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बात करो, तो भी लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सो यू माइनस एप्सिलॉन तो जो है सीक्वेंस ही छोटा होगा ना, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम ही होता है सीक्वेंस के हर टर्म से एक बड़ा नंबर। अब वो जो नंबर है वो सुप्रीमम से छोटा है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस के नंबर से छोटा होगा। सो वी कैन राइट इट एज यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन। नाउ सिंस यू इज एन अपर बाउंड, सो यू प्लस एप्सिलॉन इज डेफिनेटली एन अपर बाउंड। सो इससे हमने ये स्टेटमेंट निकाली कि जो ये ए एन ये सीक्वेंस है, यू प्लस एप्सिलॉन के टर्म में इससे बड़े होंगे। अब इससे पता चलता है कि ये जो ए एन है, ये यू माइनस एप्सिलॉन यू प्लस एप्सिलॉन दोनों के बीच में फंस गया, राइट। सो वी कैन राइट इट एज कि इसका जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ए एन माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एंड जब भी ये चीज़ आती है इसका मतलब ए एन कन्वर्ज करेगा यू, दैट इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, वेरी सिंपल। सिमिलरली वी कैन डू मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का भी हम कर सकते हैं। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, एंड बाउंडेड बिलो इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम को कन्वर्ज करेगा। नाउ अब जैसा कि हम जानते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, तो भाई बाउंडेड बिलो है तो वही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका लोअर बाउंड होना तो बनता है। लोअर बाउंड को हमने एल मान लिया, अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ले लिया, नाउ इट्स द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो हम एक प्लस लेंगे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम। इन्फिमम क्या होता है, इन्फिमम से ये एक मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर है जिसके ऊपर सेट के सारे नंबर जो है वो बड़े हैं, क्योंकि इन्फिमम छोटा होता है सभी सेट के, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसमें इन्फिमम से सारे एलिमेंट सेट के बड़े होंगे। बट अब अगर मैं कोई एल प्लस एप्सिलॉन ले लूँ नॉट शो करने के लिए, तो मैक्सिमम नंबर था ग्रेटेस्ट, अब उससे जो बड़ा नंबर होगा वो लोअर बाउंड तो नहीं कहलाएगा, वो जो नंबर होगा वो ऐसा भी हो सकता है कि सीक्वेंस का कोई एक एलिमेंट लेट से ए एम उससे छोटा हो, क्योंकि इन्फिमम क्या होता है, इन्फिमम से सेट के सारे जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये बड़े होते हैं, राइट। सो नाउ दिस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एम। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, जैसे एम आता है पहले फिर एन आता है पहले, तो अब हम मैं ले लूँ कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एम, राइट। सो नाउ सी, नाउ ए एम जो है वो एल प्लस एप्सिलॉन से तो छोटा है और ए एन से बड़ा है, इसका मतलब ए एन एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। नाउ अब हम ए एन को भी ऐसे देखो फंसाएंगे कैसे, अब हम ले लेते हैं एल माइनस एप्सिलॉन। नाउ दिस एल माइनस एप्सिलॉन इज अ लोअर बाउंड ऑफ एस, सो ए एन जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा होगा। अब वन और टू से ये तो पता चल गया कि मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, सो ए एन इज कन्वर्जेस टू एल। आई होप इट्स क्लियर।